हेलो हेलो सिद्धि, मुझे तुमसे मिलना है अभी और इसी वक्त। इट्स एन इमरजेंसी। आई आल्सो हैव एन इमरजेंसी वर, मैं लेट हो रही हूँ और मुझे हेलीपैड पहुंचना है जिम्मी से मिलने। बाकी सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी वरुण, मुझे अभी लेट हो रहा है और मैं ड्राइव कर रही हूँ। सिद्धि मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं हेलो वरुण, क्या बोल रहे हो तुम? जोर से बोल, आई कांट हियर एनीथिंग। हेलो हेलो सिद्धि, हेलो तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? वरुण मुझे लगता है सिग्नल वीक है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो 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 जिमी, जिमी, यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है वो नहीं आएगा। कौन? अपने आप को बहुत होशियार समझती हो तुम सिद्धि। मोहिनी, हाँ मोहिनी, तो बताओ ठकराल मैंशन से मुझे बाहर निकालने के लिए अब क्या प्लान कर रही है? क्या है तुम्हारी नई जान? क्या है तुम्हारा नया खेल? मैं नहीं खेलती मोहिनी, और ना ही मैं कोई चाले चलती हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ डंके की चोट पर सबके सामने करती हूँ। छुप छुप के खेल खेलना तो तुम्हारी आदत है मोहिनी, चाले तो तुम चलती हो, लेकिन अब तुम कोई चाल नहीं चल पाओगे। वाह सिद्धि, क्या यकीन है, क्या भरोसा, क्या बात है सिद्धि। शतरंज के इस खेल में ऐसा कौन सा मोहरा लग गया है तुम्हारे हाथ? देखती जाओ मोहिनी, शतरंज का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब शय और मात का खेल मैं खेलूंगी। ठकराल मैंशन से मैं तुम्हें बाहर निकाल के ही रहूंगी। मैं तुम्हारा पर्दाफाश करके ही रहूंगी मोहिनी। एनीवेज, मेरे पास अब फिजूल का वक्त नहीं है। ये तो जिमी का नंबर है। हेलो हेलो हेलो, मेरा पर्दाफाश करोगी? ठकराल मैंशन से निकालोगी तुम मुझे? शय और मात का खेल तुम मेरे साथ खेलोगी सिद्धि? नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि अब तो तुम इस दुनिया में ही नहीं रहोगी सिद्धि। बचने की कितनी भी कोशिश कर लो सिद्धि, आज तुम्हें तुम्हारा भगवान भी नहीं बचा सकता। आखिरी गोली, यानी तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल। मिसेस सिद्धि कपूर, अपनी आखिरी सांसें ले लो, क्योंकि अब तुम्हारा खेल खत्म। फिनिश।
ज्ञान, ज्ञान क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? चाची, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। देखा कि मेरी सिद्धि मुश्किल में, मेरी सिद्धि मुझे बहुत दूर जा रही है, मैं उसे खो रहा हूँ। चाची, मुझे बहुत डर लग रहा है। चाची, चाची मेरी सिद्धि को कुछ नहीं होगा, मेरी सिद्धि ठीक होगी ना? बिल्कुल, बोलिए ना चाची। हाँ पुत्र, हाँ, तेरी सिद्धि को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। ये तो सिद्धि को खोने का डर है ना तेरे अंदर, उसकी वजह से तू परेशान हो रहा है पुत्र। पर ये भी तो सोच ना, कल जब तू उसे मिलेगा, उसे यहाँ ले आएगा अपने साथ, हम सबके साथ, तब सब ठीक हो जाएगा। चल पुत्र, अब सो जा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे रास्ते से हट जा। कितनी मनाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, बन गई ना मौत तुम्हारी हम सब। अब उस प्रार्थना को अपने रास्ते से हटा दो, फिर ठकराल खानदान की बेशुमार दौलत, उनकी सारी जायदाद मेरी। सुना तुमने? मेरी होगी। आज कोर्ट के अंदर नहीं, घर चलना है तुम्हें, अपने घर। लेकिन तुम अब तक आई क्यों नहीं? प्रार्थना, प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो। मिस्टर ठकराल, पहली नजर में ये लूटमार का केस लगता है। किसी बदमाश ने इन्हें लूटने के इरादे से अकेले में घेरा और इनकार होने पर कत्ल कर दिया। लेकिन फिर भी हमें आपसे कुछ सवालात करने होंगे। पूछिए इंस्पेक्टर, पुलिस की तफ्तीश में हर तरह से सपोर्ट करेंगे।
तो फिर बताइए कि इस घर में सब लोगों के साथ मिसेस सिद्धि का रिश्ता कैसा था? जैसा होना चाहिए था इंस्पेक्टर, सिद्धि हम सबकी बहुत इज्जत करते थे और हम सब भी इसे बहुत प्यार करते थे। हमारे लिए तो जैसी हमारी बहू प्रार्थना है वैसे ही सिद्धि भी थी। तो क्या आपको किसी पर शक है, कोई ऐसा इंसान जो इनकी जान लेना चाहता हो? नो वे इंस्पेक्टर, भला इसकी जान कौन लेना चाहेगा? शी वाज अ स्वीट गर्ल। हमारी तो ये बिल्कुल बेटी की तरह थी। बेटी जैसी नहीं बल्कि दुश्मन थी आप लोगों की। आप सबकी दुश्मन थी। हाँ, आप सबके लिए वो दुश्मन थी। हाँ इंस्पेक्टर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब सिद्धि से प्यार नहीं बल्कि नफरत करते थे। क्योंकि ये लोग हमारे बच्चे को इस घर में पैदा होने नहीं देना चाहते थे। हमारे बच्चे को इस खानदान का वारिस होने का हक नहीं देना चाहते थे। क्या कह रही हो प्रार्थना? वही कह रहे जो सच है मम्मी जी। सिद्धि हमारे बच्चे को हक दिलाना चाहती थी और इसीलिए आप लोगों की आंखों में वो खटकने लगी और आप लोगों ने उसे अपने रास्ते से ही हटा दिया। प्रार्थना, सिद्धि की मौत से प्रार्थना इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो गई है इंस्पेक्टर। देखो प्रार्थना, प्लीज शांत हो जाओ, ऐसे गुस्से में झूठे इल्जाम मत लगाओ। हम कोई गलत इल्जाम नहीं लगा रहे अक्षय, हमारी बहन को इन लोगों ने मारा है। इन्होंने ही छीनी है सिद्धि की जिंदगी। अक्षय, प्रार्थना अपनी काबू में नहीं है, उसे रूम में लेकर जाओ प्लीज। नहीं अक्षय, हमारा यकीन कीजिए, आपके माँ बाप ने ही हमारी बहन की जिंदगी छीनी अक्षय। चलो प्रार्थना। अक्षय, इंस्पेक्टर, प्रार्थना सिद्धि से बहुत प्यार करती थी और उसकी मौत से बहुत सदमा पहुंचा है इसे। इंस्पेक्टर, हम क्यों चाहेंगे कि हमारे बेटे की पहली संतान हमारे घर में पैदा ना हो? आखिर वो हमारा वारिस ही होगा ना, और उसे उसके हक से बेदखल क्यों करना चाहेंगे हम? लक्ष्मीकांतं वरप्रदत्राय मां पुंडरीकाक्ष प्रेतमुक्ति प्रदुर्भवति।
बेटा अब शव को उठाकर चिता पर रखो। नहीं, मेरी सिद्धि मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी सिद्धि मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकती। अरे जिसके साथ में मुझे मेरे दामन में जिंदगी भर की खुशियां लिखती थी, वो मेरा दामन खाली करके नहीं जा सकती। ध्यान संभाल अपने आप, सिद्धि कहीं नहीं जा रही, वो सिर्फ जिस्म का बंधन तोड़कर जा रही, तेरे प्यार का बंधन है। तुम्हारा प्यार अभी भी उतना ही अटूट और गहरा है, वो तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। उठ संभाल अपने आप, उठ जाके सिद्धि, उठ संभाल अपने आप। बेटा शव को उठाकर चिता पर रखो। लेकिन कौन?